तो कैसे हैं? ये वीडियो अगेन उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं अभी, और अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि यार करियर कौन सा लें, सीए लें, सीएस लें, सीएमए लें, या फिर ACCA लें, एलएलबी करें नहीं करें। क्योंकि कई लोग जो सीएस करते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि यार उनको सीएस के साथ एलएलबी भी करना चाहिए। तो इतनी सारी दुविधाएं और इतनी सारी परेशानियां हैं। फिर जो लोग सोच रहे हैं सीएस करें, वो सोच रहे हैं कि यार सीएस कोर्स में स्कोप कैसा है, यार हमने इतनी मेहनत से सीएस किया, जॉब लगेगी क्या अच्छी, और सीएस अगर करना है तो रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, उसकी प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन की, ये सारी चीज़ें, जॉब कितनी लगती है, एवरेज पैकेजेस क्या होते हैं सीएस के, कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सारी चीज़ों की तफसील से जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दुष्यंत जैन और पेशे से मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ अपने पार्टनर के साथ मिलके, जिनका नाम है CACMS सुपान गायकर। सो हम सब आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पे जिसका नाम है दुष्यंत जैन यूट्यूब का चैनल। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी स्टोरी आपको बता दूं कि भाई मैंने भी, मेरा भी 12th का एग्ज़ाम हो गया था, और जैसे कि आप सब कंफ्यूज होते हैं करियर को लेके, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि कौन सा कोर्स करूँ, सीए करूँ, सीएस करूँ। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को सीए के बारे में पता होता है कि जो सीए का कोर्स होता है उसमें अकाउंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और यू नो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। फिर टैक्स तो हमें उस समय उतना पता नहीं था, बट किसी ने बोला कि यार सीए में यू नो अकाउंट्स अकाउंट, क्योंकि उसके नाम में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और समहाउ मैं अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मुझे उतना रुचि नहीं था अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट मुझे समझ में नहीं आता था। तो यार मैंने बोला कि यार नहीं हो पाएगा यार सीए, लेकिन फिर सीएस क्या है, तो सीएस क्या था वो मुझे किसी ने तो सजेस्ट किया था। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, बहुत पते की बात है कि हमारे स्कूल की जो सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी प्रियंका दीदी, वो सीएस कर रही थी, मेरे से बहुत सीनियर थी। तो किसी ने मुझे बताया कि प्रियंका दीदी ना सीएस कर रही हैं, तो फिर मैंने बोला यार अगर वो बंदी सीएस कर रही तो वो तो सच में टैलेंटेड है, ब्यूटी विद ब्रेन है, तो यार मैं भी एक बार उनसे इंक्वायर करूँगा, इसी बहाने बात करने का चांस मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि ये सीएस क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इट्स अ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, और इसमें आपको ना लॉ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो सेम है जैसा सीए होता है वैसा ही सीएस है, बट इसमें सीए जो होता है वो अकाउंट्स की फील्ड में एक्सपर्ट होता है, और सीएस जो होता है लॉ की फील्ड में एक्सपर्ट होता है। हालांकि उस समय उन्होंने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, बट मुझे एक चीज़ जो समझनी थी वो है, वो ये थी कि सीए जैसा कोर्स है, सीए जितना खर्चा है, खर्चे का उतना इश्यू नहीं है। तो मैं ईमानदारी से बताऊं तो जब मैंने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ एक चीज़ पता थी कि प्रियंका दीदी अगर कोर्स कर रही हैं तो कोर्स सच में बहुत अच्छा होगा। सो इस तरीके से मैंने क्या किया सीएस कोर्स के लिए, उस समय तो गूगल नहीं होता था, तो बहुत डिफिकल्ट होता था रजिस्टर कराना। फिर मैं रहता था बलौदा बाजार जैसी छोटी जगह में, फिर मैं रायपुर गया, रायपुर में जाके मैंने रजिस्टर कराया इस कोर्स के लिए, इतनी 4 मॉड्यूल्स मिल गई। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जैसे 12th का एग्ज़ाम आपका हुआ है तो 31 मार्च जो है वो आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। आखिरी डेट मतलब अगर आप 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लें तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, अन्यथा, क्योंकि आप हमेशा याद रखें जिस डेट को आपने रजिस्टर कराया है और जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है उसके बीच में 9 महीने का गैप ज़रूरी है। तो अगर आपको जून में एग्ज़ाम देनी है तो आपको अगस्त में अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आप जून अगस्त के बाद रजिस्टर कराएंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर का दिसंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिन बच्चों का 12th हुआ है और जो सीएस करने में रुचि रखते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या है कि 31 मार्च के पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ICSI के साथ, ठीक है। तो प्रियंका दीदी सीएस कर रही थी इसलिए अपन ने भी सीएस कर लिया, सीएस की किताबें मिल गई 4। तो फाउंडेशन का जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशन में ऐसा होता है कि वहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। फाउंडेशन में सबसे पहले होता है अकाउंट्स, अकाउंट्स के साथ 70 मार्क का अकाउंट होता है, 30 मार्क का ऑडिट होता है। देन आपका होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, एथिक्स और लॉ, ये सब्जेक्ट मिला के होते हैं 200 मार्क के। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन ये एक सब्जेक्ट होता है, और फिर लॉ और एनवायरनमेंट ये एक सब्जेक्ट होता है। तो ये टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं ये 200 मार्क के होते हैं, और एक होता है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, हालांकि ये 4 सब्जेक्ट की आप बुक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट ज़रूरी जानना ये है कि 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, लगभग ये 12th के ऊपर आधारित होते हैं आपके, ठीक है।
फाउंडेशन क्लियर होने के बाद सेकंड लेवल होता है एग्जीक्यूटिव का, मेरा भी फाउंडेशन क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा सेकंड लेवल था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 में से 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो लॉ के ऊपर आधारित होते हैं। कंपनी लॉ होता है, सिक्योरिटीज लॉ होता है, इकोनॉमिक लॉज होते हैं, देन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, बेसिकली ये भी कंपनी लॉ जैसे ही है, और एक होता है ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। बेसिकली ये जो लोग समझ लीजिए 3 साल के LLB को उन्होंने एक समराइज करके एक सब्जेक्ट में डाल दिया है, तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। उसके बाद 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से होता है एक अकाउंट और कॉस्टिंग, ये दोनों मिला के एक सब्जेक्ट होता है। देन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और एक होता है टैक्स। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट आते हैं, हालांकि ये हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं सब्जेक्ट्स कौन से हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कोर्स के बारे में, तो फाउंडेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और उसके बाद होता है प्रोफेशनल। उसके बाद आपने मान लीजिए तीनों एग्जाम्स क्लियर कर लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ बार बार बोल दूँ कि इस कोर्स में ज़्यादा जो होता है, ज़्यादा जो योगदान होता है लॉ का, तो बार बार मैं यही कहूँगा कि अगर आपको थ्योरी में इंटरेस्ट है, आपको लॉ पढ़ने में मज़ा आता है, तो डेफिनेटली आप CA की अपेक्षा आप क्या चुनिए, CS चुनिए। CS में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद CS फाइनल क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप होती है। आर्टिकलशिप जो होती है फाइनल क्लियर करने के बाद, अगर आपने आर्टिकलशिप की, तो आर्टिकलशिप 12 महीने की थी। 12 महीने आर्टिकलशिप एक ट्रेनिंग होती है। बेसिकली आपको अगर CS की डिग्री चाहिए होती है, तो फाइनल क्लियर करने के बाद आप क्या करते हैं, 12 महीने की आर्टिकलशिप करते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप सेकंड लेवल एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो ड्यूरेशन होती है वो 15 मंथ्स की होती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आर्टिकलशिप के बारे में, और हम लोग यहाँ पे बच्चों को एडवाइस यही करते हैं कि आप आर्टिकलशिप कब कीजिए, फाइनल खत्म होने के बाद। तो 12 महीने का होता है, और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। बल्ले बल्ले खुश होने का कि आपको क्या मिल गई है, डिग्री मिल गई है, मैं बहुत खुश हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, अगेन जब आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं उसके 9 महीने के बाद आप एग्जीक्यूटिव देते हैं, और एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के 9 महीने के बाद आप फाइनल करते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपके पास चॉइस होती है, एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर होते हैं, तो 8 पेपर को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो आप चाहें तो पहले 9 महीने में 4 पेपर दे सकते हैं, और अगली बार आप 4 पेपर दे सकते हैं, आपके पास चॉइस है। फाइनल में वैसे ही 3 ग्रुप्स होते हैं, फाइनल में 9 पेपर होते हैं और 9 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया 3 ग्रुप में। तो आप 3 3 3 करके हर 9 महीने, देन 6 महीने, 6 महीने की गैप में आप दे सकते हैं, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होता है आप उसमें दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 9 के 9 पेपर एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको CS जल्दी बनना है, 3 साल में पूरा CS ख़त्म करना है, तो एग्जीक्यूटिव के 2 ग्रुप एक साथ दीजिए, फाइनल के 3 ग्रुप एक साथ दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं उसके बाद आऊँगा, नौकरी लगती है कि नहीं लगती, और नौकरी कैसी लगती है, मैं आपको यहाँ पर अपनी स्टोरी बताता हूँ। सो मेरा फाइनल क्लियर हो गया, और फाइनल क्लियर होने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि बस दुष्यंत, अब तो अपन ने लाइफ में आग लगा दी है, और अब BMW आएगी सामने और मुकेश अंबानी सीधे आके बोलेगा कि दुष्यंत यार अब रिलायंस में जॉब करना शुरू करो। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो फाइनल क्लियर करने के बाद मुझे आर्टिकलशिप करनी थी। सो आर्टिकलशिप करने के लिए मैंने पुणे में बहुत जगह इंटरव्यूज दिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ यार, मैं उतने आंसर नहीं दे पाता था इंटरव्यू में, या फिर मैं किसी बड़ी चीज़ के लिए बना था शायद। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार मुंबई में देखते हैं, कुछ पुणे में नहीं हो रहा था, अपन मुंबई में करते हैं। मुंबई गया, मुंबई में एक रेफरेंस से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रेफरेंस दिया था, वहाँ पे मैंने अपना रिज्यूमे भेजा था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब सिलेक्शन मतलब 2 राउंड हुए, और ऐसा ख़तरनाक राउंड हुआ क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की थी इंटरव्यू के लिए। मेरा सिलेक्शन हो गया एक बार में, 15,000 रुपीज़ का मुझे वहाँ पे स्टाइपेंड मिला, और हमारे टाइम पे आर्टिकल 15 मंथ्स की थी, अभी आर्टिकल 12 मंथ्स की है फाइनल क्लियर करने के बाद। अब काम कैसा होता है CS का, सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ मैंने बेसिकली CS का काम क्या होता है। अब बच्चों देखिए, जो पेरेंट्स भी है, बहुत सारे पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहला CS का सबसे बेसिक काम होता है कि जब एक कंपनी बनती है, जैसे भारत में 5 से 6 लाख कंपनीज हैं, ठीक है, और जब एक कंपनी बनती है, आपको पता है जितने भी बिज़नेस मॉडल्स होते हैं वो कंपनी, जितने भी लोग बिज़नेस करते हैं, सबसे अच्छा तरीका बिज़नेस करने का कंपनी होता है, अगर आपको लार्ज स्केल पे बिज़नेस करना है। सो जब एक कंपनी बनती है तो उस कंपनी के ऊपर कंपनी लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। कंपनी लॉ अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट लॉ है, और इस कंपनी लॉ के अंदर दुनिया भर के सेक्शन हैं। पॉइंट नंबर 1, अब कंपनी बन गई, कंपनी बनने के बाद इसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये जाती है स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को क्या करवाने के लिए, लिस्ट कराने के लिए, अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है। तो जब कंपनी बनी तो वो कंपनी लॉ फॉलो करती है, जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई तो फिर वो SEBI के बहुत सारे लॉ फॉलो करती है।
उसके बाद जब कंपनी अपना बिजनेस करती रहती है तो उसको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उनके यहाँ पे कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो पेटेंट लेते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं। फिर ये जो मूवीज़ वगैरह बनती हैं, ये मूवीज़ भी कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, धर्मा प्रोडक्शंस लिमिटेड, तो यहाँ पे कॉपीराइट्स के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में, फिर और भी अगर मैं बात करूँ तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, फिर आपकी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, FDI पॉलिसी है हमारे देश की, फिर आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है वहाँ पे, फिर अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के बहुत सारे कंप्लाइंस है, स्टार्टअप को सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, बहुत सारे एडवांटेजेस देती है। देन अगर आपकी कंपनी रिटेल में है तो यू नो वेट्स एंड मेजर से रिलेटेड बहुत सारे लॉज आपकी कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। देन लोके एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कोई लॉ अलग से डील करते हैं, कोई अगर मेडिकल चेन है मतलब मेडिकल स्टोर की चेन है तो उसके ऊपर अलग से लॉज अप्लाई होते हैं। देन ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए लॉज अलग है। कहने का मतलब है कि एक कंपनी जब बिजनेस करती है तो उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग लॉज अप्लाई होते हैं, और ये सारे लॉज जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो मदद कौन करता है? पहले पहले के टाइम पे लॉज बहुत कम अप्लाई होते थे, और जो लॉज अप्लाई होते थे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी उनके नॉन कंप्लाइंस पे ध्यान नहीं देती थी। अभी तो इतने सारे लॉज अप्लाई हो गए ना, अरे दुनिया भर के लॉ आप हटा दीजिए, सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शन है और दुनिया भर के रूल्स हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी अकेला मिलके भी वो सारे लॉज को कंप्लाई नहीं कर सकता एक कंपनी में, अगर कंपनी के ऑपरेशन थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज में गए तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लॉ हो गए। फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपने कोई गलत प्रैक्टिसेस की तो आपके ऊपर कॉम्पिटिशन लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। फिर मर्जर अमलगमेशन होता है, दो कंपनीज मर्ज हो जाती हैं आपस में। तो इतने सारे यू नो इश्यूज हैं, इंडिया के बाहर के लॉ, आपकी कंपनी इंडिया के बाहर बिजनेस करने जा रही तो वहाँ के लॉ अप्लाई हो रहे हैं। तो दोस्तों इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे लॉ अप्लाई होते हैं, और लोग बोलते हैं यार कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप क्या है, ये बताओ। इतने सारे लॉज अप्लाई होते हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से CS काम करता है कंपनी के अंदर, मैं बोल रहा हूँ इतने सारे लॉस छोड़ दो, कंपनीज एक्ट के अंदर इतने सारे कंप्लाइंस हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए एक कंपनी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है। कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। लेकिन कंपनीज में काम इतना होता है, जैसे कि मैंने रिलायंस में काम किया है, रिलायंस में हमारी जो सेक्रेटरी टीम थी उसमें से 70 से ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज थे। टाटा में अपना बहुत बड़ा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, और छोटी मोटी कंपनीज की बात करें, छोटे छोटे जो रियल एस्टेट के बिल्डर्स हैं, जो 100 करोड़ 500 करोड़ वाले बिल्डर हैं, इनके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भी कम से कम 8-10 कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, 4-5 कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। सो एकदम इमर्जिंग प्रोफेशन है, एकदम ग्रोइंग प्रोफेशन है, और आप सबको ये प्रोफेशन सच में परस्यू करना चाहिए। सैलरी की बात करूँ तो अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट है, आप अगर देखेंगे तो मेरे चैनल पे आपको इंटरव्यू भी दिखेगा, रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट प्लेस हुई है, 8 लाख रुपए का उसको पैकेज मिला है पूना में। तो और लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने कैंपस प्लेसमेंट भी किया था, और कैंपस प्लेसमेंट में किसी को 12 लाख का भी पैकेज मिला था। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रोफेशन है, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद लॉज बहुत अच्छे हो गए, लॉ की एनफोर्समेंट एजेंसीज बहुत अच्छी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन का स्कोप दिन दोगुना और रात चौगुना क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ज़रूरत है आपको ये कोर्स करना है, बस इस कोर्स का एक ही लिमिटेशन है कि इस कोर्स में रिजल्ट कम आते हैं। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग कम पास होते हैं, इसका मतलब ये है कि लोग मेहनत कम करते हैं। जो लोग इस कोर्स में आते हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी इस कोर्स को ज़रूरत है। तो इस कोर्स में आए हैं तो एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, ये सोच के आइए कि मैं मेहनत बहुत करूँगा, एफर्ट्स लूँगा और बहुत शिद्दत से प्रयास करूँगा CS बनने का। मुझे देख लीजिए बच्चों, दोस्तों मैं पुणे आया था, मैं बहुत एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे पास भी उतना कुछ बहुत कम रिसोर्सेज के साथ मैं पुणे आया था, बट आज मैं CS हूँ और मैंने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करूँगा भी। तो कहीं ना कहीं CS कोर्स आज जो भी मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हूँ, अपनी CS कोर्स की डिग्री के कारण। इसलिए मेरा ये सोशल ऑब्लिगेशन भी है, मेरा एक ऑब्लिगेशन भी है कि इस कोर्स को मैं जितना प्रमोट करूँ उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे लाइफ में जो भी मिला है वो इस कोर्स के माध्यम से ही मिला है। तो मेरे यंग फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगा इस प्रोफेशन में। सैलरी अगेन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है प्रोफेशन को। स्टार्टिंग सैलरी मेरे ख्याल से मेरी स्टूडेंट को तो 8 लाख मिला, बट 5 से 8 लाख रुपए का सैलरी आपको मिल सकता है। कंपनी के अंदर आपका बहुत अच्छा स्कोप होता है, आप गूगल पे अगर लिखेंगे कॉमर्स में हाईली पेड प्रोफेशन कौन सा है तो उसमें से CS आता है,
और सबसे बड़ा कंसर्न जो सबसे बड़ी चिंता, अब एक ट्रैप चल रहा है अभी मार्केट में कि 5 ईयर लॉ करने का, पता नहीं पूना में तो लूट मचा के रखी कॉलेजेस ने। वो 5 ईयर लॉ का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो करने के बाद मतलब आप देखिए, LPOs लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बच्चे काम करते हैं, कुछ सैलरी नहीं मिलती, कई लोग वकील बनते हैं और उसमें क्या इंटर्न्स और क्या पैकेज मिलते हैं भगवान जाने। तो कई लोग सोचते हैं कि CS के साथ लॉ करें, प्लीज़ लॉ 5 साल का करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कॉलेजेस के पैसे कमाने के तरीके हैं जहाँ पे वो 1-1 लाख रुपए फीस लेते हैं, और मैं देखता हूँ वो बच्चे क्या लॉ करते हैं। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले वो कहीं से नोट्स वोट चोरी करके लाते हैं या कहीं से खरीद लाते हैं, पढ़ते हैं, पास जाते हैं, और उसके लिए माँ बाप साल का 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती। मतलब आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी कॉलेज, बट आई फाइंड इट इनकरेक्ट। 1-1 लाख रुपए वो 5 साल का LLB मैं नहीं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को। आप CS कर रहे हैं तो अभी प्लेन BCom के साथ CS कीजिए। LLB अगर आपको करना है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, प्लेन CS भी मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आपको LLB करनी है तो आप पहले ग्रेजुएशन कीजिए BCom का, क्योंकि इस लॉ के चक्कर में आप फंस जाते हैं। वहाँ पे सब जो लॉ करने वाला क्राउड होता है वो सिर्फ लॉ करता है, तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, उसको क्लास जाने की लफड़ा नहीं, कॉलेज भी वो अपनी इच्छा जाता है, और उसको दुनिया भर के ऐश पानी करने। अगर आप CS कर रहे हैं, अगर आप CS कोर्स को लेके सीरियस हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि 5 ईयर्स लॉ के चक्कर में मत फंसें। आप ग्रेजुएशन तक टारगेट रखिए कि आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लें, और उसके बाद आप 3 ईयर्स के लॉ के बारे में सोचें। वो सस्ता भी पड़ता है, वो अच्छा भी होता है, और वहाँ पे जाके बर्बादी के चांसेस नहीं है, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी क्लियर हो गया है। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद ऐसा बहुत कम होता है कि लोग प्रोफेशनल क्लियर ना कर पाएँ, क्योंकि मंजिल उनको दिखने लगती है। सो प्लीज़ CS के साथ 5 ईयर्स का लॉ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है आपसे पैसे निकालने का, 1-1 लाख रुपए गलत है बच्चों, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी स्कोप अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, और इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है, लीगल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वेराइटी ऑफ लॉज अप्लाई हो रहे हैं, तो CS का स्कोप आने वाले टाइम पे भी बहुत बेहतरीन रहेगा। सो मेरे सारे प्यारे बच्चों, 12th के बच्चों, आप बिल्कुल CS को अपना एक अच्छा कोर्स मान सकते हैं, बहुत अच्छा, आपका करियर काफ़ी संवरेगा ये कोर्स करके। बट एक ही चीज़ याद रखना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको इस कोर्स में, और लॉ तो ऐसे घुट के पीना है। आईकेन अकेडमी, हमारी अकेडमी के बारे में बता दूं कि 2014 से लेकर आज तक 50 रैंकर्स आए हैं हमारी अकेडमी के। CS एग्जीक्यूटिव नए सिलेबस में, जो फाउंडेशन में तो हमारे रैंक 1 से लेकर सारे रैंक्स आए हैं लगभग, एग्जीक्यूटिव का जो नया सिलेबस आया है उसमें पूरे वेस्टर्न रीजन में फर्स्ट रैंक मतलब हमारी क्लास का, मतलब ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक, और वेस्टर्न रीजन में फर्स्ट रैंक हमारी स्टूडेंट का है नए सिलेबस में। CS प्रोफेशनल में भी हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे इस बार तीनों ग्रुप पास हुए हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। तो आईकेन अकेडमी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ बच्चों को CS बनाने में अपना तन मन धन हम लोगों ने सब कुछ लगाया हुआ है कि हम बच्चों को CS बना पाएँ, और इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, और हम लोग बहुत हम CS कोर्स में बिलीव करते हैं, हमको लगता है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा है ना तो उसको CS बनने का, ठीक है। यस, ये हमारा बिजनेस भी है, हमको यहाँ से पैसे ही मिलते हैं, बट यस पैसे तो मिलते हैं, बट पैसे के साथ में हमारी एक अच्छी नीयत भी है कि हम बच्चों को क्या कर सकें, CS बना सकें, और उनको उनके करियर में डिज़ायर्ड गोल्स, उनके सपने हम पूरे करने में मददगार साबित हों, तो ये हमारा उद्देश्य है। और क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा कोर्स है, बस आप करिए विश्वास के साथ, और आप देखिए रिजल्ट्स कैसे आते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, कॉस्ट के बारे में, कि माँ बाप बहुत ज़्यादा कॉस्ट के बारे में कंसर्न होते हैं। पूरा CS आपका 2 लाख में खर्च हो जाएगा, मतलब बहुत सस्ता कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक्स लोन भी प्रोवाइड करते हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी जैसी भी है, और हमारी क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन होने के बावजूद भी CS करें, तो खर्चा यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच।